में सिंथेटिक दूध का कारोबार किया जा रहा था, जिस पर छापेमारी की गई तो 20 लाख लीटर नकली दूध बनाने का सामान पकड़ा गया। वहीं भिंड में नकली मावे की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। जबलपुर में जांच टीम ने नकली पनीर और नकली घी बनाने का भंडाफोड़ किया। तो चार तस्वीरें आपको दिखाते हैं, मध्य प्रदेश के मुरैना, बुरहानपुर, भिंड और जबलपुर की तस्वीरें हैं, जहां स्थानीय प्रशासन FSSI की टीम ने हजारों लीटर सिंथेटिक दूध, नकली मावा, नकली पनीर, नकली घी बनाने का भंडाफोड़ किया है। त्योहारों का सीजन आने वाला है और ऐसे में धड़ल्ले से यह कारोबार चल रहा था, जिसका कि भंडाफोड़ इंडिया न्यूज की टीम ने किया है। तो ये तीन तस्वीरें इस वक्त मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड और बुरहानपुर की, जहां से जांच टीम ने 20 लाख लीटर सिंथेटिक दूध बनाने का सामान और साथ ही चार दूध के टैंकर जब्त किए हैं। मुरैना की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां पर दो फैक्ट्रीज में सिंथेटिक दूध बनाने की जानकारी पर छापा मारा गया। 2000 लीटर मिलावटी दूध को नष्ट भी किया गया। वही सिंथेटिक दूध बनाने का सामान भी बड़ी मात्रा में जब्त कर नष्ट कर दिया गया। छापेमारी की खबर सुनते ही दोनों डेयरी संचालक फरार हो गए। पुलिस इनकी तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। तो आप देख सकते हैं सिंथेटिक दूध किस तरह से तैयार किया जाता है। यहां पर हजारों लीटर दूध जो है वो पकड़ा भी गया है, उसको नष्ट भी किया गया है। 20 लाख लीटर दूध बनाने की तैयारी हो रही थी और साथ ही नकली मावा, नकली घी बनाने का सामान भी जब्त किया गया। इंडिया न्यूज पे आप देख रहे हैं खबरें बिना ब्रेक के। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस।